आज ओडिशा पाई एक ऐतिहासिक दिन हम कारण आज ओडिशा रे 5G लॉन्च हम आज ओडिशावासी को पाई उत्कंठा रहिबो अंत माने जो आकु आमे अपेक्षा करथिनु 5G केबे लॉन्च हम पूर्वर जदियो अनेक शहर रे 5G लॉन्च होई सारिथिला किंतु ओडिशा रे होई नथिला आज ताहारो उद्घाटन करा जिवो भुवनेश्वर रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन करिबे तांको सहित रहिबे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं यहा सहित मुख्यमंत्री मध्य उपस्थित रहिबे एवं दुईटी टेलीकॉम ऑपरेट एयरटेल एवं जियो को मिलिछि अनुमति ट्विन सिटी रे आज लॉन्च हेबो 5G सेवा आज तार उद्घाटन करा जिवो निश्चित भाबरे ओडिशा पई एक बड़ दिन केंद्र सरकार कर ओडिशा को नुआ वर्ष रे बड़ भेटी जो जहाँ को आमे अपेक्षा करथिले समस्ते अनेक दिन धरी जे केबे 5G आसिबो कारण अनेक दिन रु लोक माने जदियो 4G व्यवहार करूछंती किंतु ये मोबाइल मध्य समस्त को निकट रे रहिछि जे जो फोन रे 4G वर्तमान सपोर्ट करूछि से मोबाइल रे 5G मध्य सपोर्ट करिवो एवं लोक माने अपेक्षा करथिले केबे 5G आसिबो वर्तमान ताहा अंत घटिछि आज 5G रो उद्घाटन हेबो एवं शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी रो कैंपस रे आज केंद्र मंत्री को उपस्थित रे उद्घाटन करा जिवो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य सेठारे उपस्थित रहिबे तबे निश्चित भाव रे 5G जुगरे ओडिशा एंट्री करबा पई जाउची आज राजधानी रे सेवार शुभारंभ करिबे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य ए कार्यक्रम रे जोगदेवे एथिपाई सरी समस्त प्रस्तुति राज्य में लगी प्राय 510 टावर एवं प्रथम पर्यायर 100 टावर में 5G सेवार शुभारंभ कर 5G सेवाई 2 टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल और जियो को मिली अनुमति प्रथम ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक सेवा पाइबे उपभोक्ता पर राज्यर अन्य अंचल पर्यायक्रमे सेवा उपलब्ध हे तेरे समस्त खुशी विषय जे जो इंटरनेट आम व्यवहार करुले जार स्पीड जी बर्तमान ता द्विगुणित होगापी जाऊँगी माने 5G सेवा वर्तमान उपलब्ध होड़शार पूर्वर प्रथम पर्यायर अक्टोबर 1 दिल्ली चंडीगढ़ गुरुग्राम लखनऊ अहमदाबाद जामनगर गांधीनगर कोलकाता मुंबई पुणे हैदराबाद कोलकाता चेन्नई और बेंगालुरु सेवार शुभारंभ होता है।